दोस्तों नमस्कार। हर कोई सुबह की आदतों के बारे में बताता है कि सुबह उठकर हमें योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ईश वंदना करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। लेकिन कोई भी हमें रात में कैसे रहना है, रात में हमें कैसे सोने के लिए जाना है या सोने से पहले किन किन आदतों को पकड़ना है, किन किन आदतों को छोड़ना है, यह बहुत कम लोग बताते हैं। और अगर आपकी नींद खराब हो जाए, आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी ना हो और आप गलत चीज़ें लेते हुए आप नींद पर जाएं, उसका क्या असर होता है यह सब जानते हैं। अगर नींद में कमी आ जाए, नींद की गुणवत्ता में कमी आए, आपकी गहरी नींद में कमी आ जाए, तो धीरे धीरे आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार पड़ने लगते हैं। यह असर पहले शारीरिक रूप पर दिखता है, फिर धीरे धीरे यह आपके मन को भी खराब बनाता जाता है। तो आज हम कुछ ऐसी 10 आदतों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका क्रम उल्टे क्रम में होगा, अर्थात जो सबसे खराब आदत है हम उसको सबसे अंत में बताएंगे, और जो कम खराब आदत है, हालांकि वो भी खराब ही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी के आधार पर, वह आपके कितना हार्म करता है, उसके आधार पर हम उल्टे क्रम में आपको यह बुरी आदतें बताएंगे। यह बुरी आदतें न केवल आपके हार्मोन को डिसबैलेंस करता है, आपके भीतर गलत एनर्जी लाता है, बल्कि अगर ये आदतें ठीक समय पर न सुधारी जाए तो आपका सामाजिक, आपका आर्थिक, आपका पारिवारिक, आपके जीवन की शांति सब कुछ भंग हो जाएगी। धीरे धीरे आप बर्बाद होने लग जाएंगे। क्या है ऐसी आदतें, चलिए हम धीरे धीरे करके जानते हैं। 10वीं जो सबसे बुरी आदत है वह है सोने से पहले तेज रोशनी में रहना। आज की दुनिया चकाचौंध की दुनिया है, हर कोई लाइमलाइट में रहना चाहता है, हर किसी को पार्टियां पसंद है, घर में भी हम तेज रोशनी में रहना पसंद करते हैं, और यह आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक है। असल में रात बनी इसलिए होती है कि हमारा शरीर धीरे धीरे उस अवस्था में जाए जहाँ पर उसको सच में विश्राम मिले। यही कारण है कि जब सूर्य डूबता है तो धीरे धीरे हमारी यह शरीर जो है धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में पहुंचता है, तो यह लाइट जिसको कृत्रिम रूप से आपने बनाया है, इंसान ने बनाया है, यह लाइट आपके शरीर के केमिकल्स को गड़बड़ करता है, और इस केमिकल में गड़बड़ के कारण आपकी नींद की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, आपके ब्रेन के केमिकल्स में, ब्रेन जो फंक्शन करता है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। अगर आपकी यह आदत है तो तेज रोशनी में जाने से बचिए, तेज रोशनी में कोई काम करने से बचिए, पार्टियां अगर करते हैं तो वह कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। 9वीं बुरी आदत, 9वीं सबसे जो बुरी आदत है वह है सोने के समय में कई लोग जिम करते हैं, वे कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि आपकी जो बायो क्लॉक है, आपके शरीर के डीएनए के आधार पर जो संरचना है, उसके आधार पर जैसे ही सूर्य डूबता है आपको आराम करना है, और कई लोग समय की कमी के कारण या कई कारणों से आपको जिम, स्पोर्ट्स, कई प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यहाँ तक कि लोग योगा भी अब शाम या रात को करने लगे हैं। यह एक बहुत गलत आदत है। असल में जब आप सोने के समय में ये सारी चीज़ें करते हैं, आपके शरीर, आप जबरदस्ती शरीर की एनर्जी को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं या अपने मसल्स को वर्क पे लगाते हैं, और शरीर इसका प्रतिरोध करता है, वह प्रतिरोध आपके ब्रेन को पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता, लेकिन सेल के स्तर पर यह प्रतिरोध लगातार जारी रहता है, और इस प्रतिरोध के कारण आपके सारे फंक्शन, जो बॉडी फंक्शन होते हैं, जो रात में जो रेस्टिंग प्रोसेस होता है, जो आपके लिम्फ नोड्स रेस्ट पे जाते हैं, उसमें गड़बड़ी आती है। तो रात में जिम करने के बजाय, रात में योगा करने के बजाय आप सुबह समय निकालिए। सुबह का समय इन सब चीज़ों के लिए, जब आपको ब्लड सर्कुलेशन तेज करने की ज़रूरत होती है, सूर्य डूबने के बाद वैसे भी मनुष्य का ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीमा होना चाहिए और वह ज़रूरी है, लेकिन आप इन एक्टिविटीज़ को करके आप उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि एक गलत आदत है। यहाँ पर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के बजाय आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योग निद्रा करते हुए सो सकते हैं, या साउंड मेडिटेशन जो आपको गहरी नींद में ले जाने के लिए बहुत मदद देगी। आप जिम, योग आदि को छोड़कर मेडिटेशन या साउंड मेडिटेशन, या फिर जिन्हें योग निद्रा आता है वे योग निद्रा करते हुए सो सकते हैं। 8वीं बुरी आदत, और वह है रात के समय में
चाय पीना, कॉफ़ी पीना या एनर्जी ड्रिंक का सेवन करना। रात बनी है सोने के लिए, जैसी आप जितना जल्दी सोएंगे, जितनी गहरी नींद पाएंगे आपको उतना अच्छा है। लेकिन कई लोग ना समझी में या जानबूझकर समझते हुए भी रात को अपनी लत के अनुसार चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं। आपको मालूम है कि इन सभी पेय पदार्थों में कैफीन बहुत ज़्यादा होता है। चाय और कॉफ़ी, चलिए प्राकृतिक रूप से आपको कैफीन मिली, लेकिन एनर्जी ड्रिंक में तो कृत्रिम रूप से डाली गई कैफीन जो आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। तो इस तरह के किसी भी पेय पदार्थ का जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करे, आपके ब्रेन को एक्टिव करने की कोशिश करे, वह समय के अनुसार गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यह चाय कॉफ़ी आप सुबह के समय लेते हैं तो वह आपके लिए एक औषधि हो सकती है, आपके ब्रेन को जगाने का काम कर सकती है। लेकिन रात को सोने से पहले इन पेय पदार्थों के उपयोग से बचें। सातवीं बुरी आदत, और वह है देर रात का काम करना। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास समय नहीं है तो मैं रात को जग के ये काम कर लूं, जो आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। जितनी देर आप रात जगेंगे आपके शरीर की रेस्टिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगी, आपके लिम्फ नोड ठीक से रेस्ट पे नहीं जा पाएंगे, आपकी लीवर जिसको रेस्ट के लिए डीप स्लीप की जरूरत होती है और जिसकी रेस्टिंग का टाइम होता है रात को 11 से 1, और उसके लिए आपको गहरी नींद में होना आवश्यक है। लेकिन आप रात तक काम करते रहेंगे तो ऐसे तमाम लोग फैटी लीवर, खाना ना पचना, अपच, इस तरह की शिकायत लेकर घूमते रहते हैं। आजकल के माता पिता, पालकगण और आजकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे भी, वे भी रात भर जग जग के अपनी स्टडी करते हैं, और इस तरह की स्टडी, इस तरह का अध्ययन पूरी तरह बकवास है। भले आप ले आए नंबर, भले आप डिग्री पा लें, लेकिन कालांतर में जब आप युवावस्था को पार करेंगे इसका इफेक्ट आपको तब मिलेगा। मेरे देखिए, मेरे परिवार में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रात में जग जग के पढ़ाई की, आज उनका स्वास्थ्य 25 साल 30 साल 35 साल की उम्र में बहुत ही खराब हो चुका है, वे युवा कहलाने लायक भी नहीं है। तो इस तरह की रात की पढ़ाई, विशेष रूप से पालकगण जो अपने बच्चों को रात में ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं, उनके लिए तो विशेष हिदायत कि इस तरह की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बच्चा जिसको सोना है आप उसे जगाकर पढ़ाई करा रहे हैं, उसके वह ब्रेन में, याददाश्त में वह चीज़ जा ही नहीं रही है। बनिस्पत इसके कि आप उन्हें रात में पढ़ाएं, आप उन्हें सुबह 3 बजे 3:30 बजे जगने की आदत कराएं, आप भी जगें और उस समय उन्हें पढ़ाएं। उस समय का पढ़ा हुआ बहुत लंबे समय तक मेमोरी में रहता है, क्योंकि वातावरण शांत होता है, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क सब कुछ तैयार होता है चीज़ों को ग्रैस्प करने के लिए। लेकिन रात की पढ़ाई, रात के काम से पूरी तरह बचें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब छठवीं बुरी आदत, वह है सोने से पहले टीवी, न्यूज़ देखना, विभिन्न प्रकार के सीरियल्स, विभिन्न प्रकार के क्रिमिनल शोज, मोबाइल, वीडियो गेम, इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो यह आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा नहीं लाता। बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े ज्ञानी आजकल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेज कराते हैं, वे तो सीधे कहते हैं कि आपको अपने जीवन से समाचार देखना और समाचार पत्र पढ़ना, इस तरह की चीज़ों को पूरी तरह कट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें परोसी जा रही है वह आपके लिए कतई अच्छी नहीं है। रात को समाचार देखना, रात को टीवी देखना, क्रिमिनल शोज देखना, यह आपके भीतर गलत हार्मोन्स बनाते हैं, इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान होता है। फिर कई लोगों को वीडियो गेम खेलने की अब आदत पड़ चुकी है, वह मोबाइल में हो, वह वीडियो गेम में हो, यह आदत भी उनके भीतर, चूँकि वे रात में जग रहे हैं, रात में जगने के कारण प्रकृति से दूर हो रहे हैं, तो इस प्रकार का जगना, इस प्रकार की चीज़ें देखना, इस प्रकार का कंटेंट देखना, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस आदत से भी बचें। पांचवी बुरी आदत, और वह है सोने से पूर्व भोजन लेना। आज जीवन शैली ऐसी हो चली है कि लेट नाइट पार्टीज होती हैं, घर में भी आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आप 8 बजे ही क्यों ना खाना खाएं, वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहेगा, उसका पाचन हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया संबंधित है सूर्य से। उस भोजन का पाचन तभी होगा जब अगले दिन सूर्य उगेगा। तो नियम बनाएं कि सूर्यास्त के बाद 6:30 आपका डिनर हो जाना चाहिए, उसके बाद तो आयुर्वेद के अनुसार पानी भी ज़्यादा नहीं पीना है।
लेकिन आजकल के लोग रात में भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के बाद तुरंत सोते हैं, और इस प्रकार का भोजन उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और कई प्रकार के शरीर की उपापचयी क्रियाओं को पूरी तरह बाधित करता है। ना उनका लीवर रेस्ट पे होता है, ना उनके हार्ट को रेस्ट मिलती है, ना उनके लिम्फ नोड्स लिम्फिक सिस्टम को रेस्ट मिलता है, और इस प्रकार का जीवन धीरे धीरे उन्हें रोगमयी बनाते जाता है। युवा लोगों में फैटी लीवर की शिकायत हो रही है, उनके शरीर में फैट बढ़ रहा है, और कारण यही है लेट नाइट का भोजन करना। तो नियम बनाइए कि हमारा भोजन 6:30 के अराउंड हो जाना चाहिए। चौथी बुरी आदत, और यह एक बुरी आदत कि सोने से पहले नशा, किसी भी प्रकार का नशा, धूम्रपान, एल्कोहल या कोई भी नशा, वैसे तो सोने से पहले ही नहीं, इसका सेवन ही नहीं करना चाहिए। इस तरह की निरर्थक चीज़ों का आपके जीवन में समावेश होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो लोग किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं, या तो वे उसे छोड़ दें या सोने से पूर्व इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अल्कोहल लेने से हमको नींद गहरी आ जाती है, वे पूरी तरह भ्रम में जीते हैं। दरअसल उस नशे के कारण उनका ब्रेन तो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन शरीर में इतनी सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, वह भी केमिकल रूप से, और वह बुरी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसका असर आपको दूसरे दिन हैंगओवर के रूप में दिखता है। दूसरा दिन आपका आलस में, रोग में और शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियों में बीतता है। तो सोने से पूर्व ही नहीं, मेरी तो यही सलाह रहेगी आपसे, युवा वर्ग से, आने वाली युवा पीढ़ी से, कि किसी भी प्रकार के नशे से बिल्कुल दूर रहें अगर अपने जीवन को प्रसन्न बनाना है। वरना एक छोटा भी नशा आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट लाता है, आपके आत्मविश्वास को कम करता है, आपके जीवन में व्याधियों का आगमन लाता है। तो नशे से दूर रहिए। तीसरी सबसे बुरी आदत, और यह बहुत ही खराब आदत, मैंने इससे पहले बताया कि टीवी देखना बुरी आदत है, लेकिन आज तो हर पॉकेट में टीवी आ चुकी है। फिर अब जैसे हम पहले टीवी देखते थे तो खुले रूप में देखना पड़ता था, सब परिवार होता था, लेकिन आजकल के पॉकेट में जो मोबाइल आ गई है, आपको तो जो कंटेंट देखना है वह कंटेंट आप वहां देख सकते हैं। फिर वह अश्लीलता हो, वह हिंसा, वह किसी प्रकार के शोज हो, फिर उसके ऊपर माशाल्लाह आजकल के वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स और इस तरह की पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो आपके जीवन में इस तरह जहर घोल रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको लगता है कि आप जीवन के मजे ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ये इस प्रकार की चीज़ें देखना, इस प्रकार का कंटेंट देखना आपके भीतर बुरे ही बुरे हार्मोन्स तैयार कर रहा है, और इस प्रकार के बुरे हार्मोन्स आपके शरीर को तो खत्म कर ही रहा है। आप मानसिक रूप से भी चिड़चिड़े, क्रोधी, सहनशीलता में कमी और कई व्याधियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो रात में या दिन में इस तरह के कंटेंट, हिंसक, अश्लील, जहाँ पर जिस चीज़ को देखने से घृणा, नफरत, रोष आए, उस तरह की चीज़ें मत देखिए। ऐसी चरित्रहीनता की चीज़ें मत देखिए जो आपके भीतर गिल्ट लाए, आपके भीतर खराब चीज़ें उत्पन्न करे। आप अपने तर्क बैठ देते रहिए कि मैं इसलिए देख रहा हूँ, उसलिए देख रहा हूँ, या मैं इस ढंग से देख रहा हूँ। आपके शरीर में जो अरबों खरबों कोशिकाएँ हैं, उनका भी ब्रेन है, आपके इस शरीर की भी एक मेमोरी है। केवल आपकी ब्रेन की ही मेमोरी नहीं, आपकी सेल्स की भी मेमोरी है, जो डीएनए और आरएनए के रूप में हमारे शरीर में रहती है, और वह वहाँ स्टोर होता रहता है। तो इस प्रकार के किसी भी कंटेंट को देखने से बचिए, और बच्चे मेरी यही सलाह रहेगी। दूसरी सबसे बुरी आदत, और वह है बिस्तर पर गुस्से, क्रोध, घृणा, नफरत के साथ सोने जाना। जब आप इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो आपके भीतर असल में आता क्या है? क्रोध, रोष, घृणा, नफरत या इस तरह की हिंसा। वह उस तरह से सोना भी खतरनाक है। साथ में अगर आपका जीवन, आपका व्यवहार ऐसा है कि आप क्रोध में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, घृणा नफरत में जीते हैं, लोगों के लिए दुर्भाव पाल के रहते हैं, और उस ढंग से आप सोने जाते हैं, किसी चिंता में सोने जाते हैं, तो कैसे आपको गहरी नींद आ सकती है? वह नींद आएगी भी नहीं, आप जबरदस्ती नींद लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को छोड़कर, सबको माफ़ करके, अच्छी सोच के साथ में, कलाम साहब बोलते हैं कि रात को अगर हम सोते समय 20 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ लें तो उससे हमारी सोच बदल जाती है। वह किताब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, केवल 20 मिनट कोई एक चैप्टर किसी अच्छी किताब का, वह आपकी पूरी सोच को बदल देती है। और दिन भर में आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो, उन सबको माफ़ कर दीजिए,
माफ करते हुए पूरे प्रेम पूर्वक आपके जो भी ईश हैं, जो भी आपके प्रेमी प्रेमिका, जो आपके क्लोज वन, जो आपके गुरु हैं, उनकी सोच को, उनके सिद्धांत को, उनके मोटो को अपने जीवन में उतारते हुए पूरे आनंद के साथ, प्रेम के साथ उस बिस्तर पर सोने के लिए जाइए। फिर देखिए नींद की गुणवत्ता कितनी बदल जाती है, आपको कैसी गहरी नींद आती है। नींद ना भी आए फिर भी आप लेटे रहिए, योग निद्रा सीख लीजिए, शवासन पर लेटना सीख लीजिए, साउंड को सुनना सीख लीजिए। भले किसी को नींद ना आती हो, धीरे धीरे इस शरीर की मेमोरी बदलेगी, इस शरीर की याददाश्त बदलेगी, वो नई मेमोरी को ग्रैस्प करेगा और धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी। अब सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख कारण वह है जो बुरी आदत जो नंबर वन पे रखी गई है, और वह है सोने के समय को बदलते रहना। कभी आप 8 बजे सो जाएं, कभी आप 9 बजे सो जाएं, कभी 10 बजे सोएं, कभी 12 बजे तक जगें, यह आपकी पूरी मेमोरी, केवल आपकी ब्रेन की मेमोरी ही नहीं, आपके शरीर की मेमोरी को बदल डालता है। और इसका दुष्परिणाम होता है जिसे हम कहते हैं हमारे सामान्य भाषा में खर सेवर। जब आप अपने सोने का समय लगातार बदलते रहते हैं तो इससे आपके शरीर का बायोक्लॉक गड़बड़ाता है और आपकी सारी उपापचयी क्रियाएं, सारा चीज डिस्टर्ब होता है और आपके भीतर वह हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं, वह जरूरी केमिकल्स नहीं बन पाते हैं जो जल्दी सोने के कारण बनते हैं। तो सोने के समय को मत बदलिए। किसी से प्रेरित होकर कभी आप 9 बजे सो जा रहे हैं तो कभी इतने काम हैं, जरूरी काम आपके जीवन में, कि जिससे आप अपने सोने को कट कर देते हैं और रात को 11-12 बजे तक जगते रहते हैं। फिर आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास टेलीविज़न है, आपके पास गॉसिप करने के लिए बहुत सी बातें हैं, और यह जब आप एक चीज़ चालू करते हैं और इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और यह डिस्टर्ब नींद आपके समय को बदल देती है, जिसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। तो इस आदत से भी बाज आइए। सोने और उठने का एक समय नियत करिए, बिस्तर पर जाने का एक समय नियत करिए। जब आप उस नियत समय पर बिस्तर पर जाएंगे, भले किसी को नींद ना आती हो, अगर किसी की आदत अभी 11 बजे सोने की, आप 9 बजे जाइए, धीरे धीरे वो 9 बजे नींद आने लगेगी। 9:15 बजे आपको लगेगा कि मुझे बिस्तर कहाँ है, मैं जल्दी से लेटूं। जैसे मैंने बताया कि इस शरीर की मेमोरी होती है, इसे मैं और विस्तार से बताऊं तो होता क्या है, जब मान लीजिए आप 9 बजे 9:30 बजे सोए या 12 बजे, भी कभी ऐसा हुआ कि मुझे 12 बजे जगना पड़ गया, लेकिन 4:15 बजे ऐसा होता है कि नींद खुलती है। अब जैसी नींद खुलती है, मेरा पैर तुरंत बिस्तर से बाहर आता है। यह कैसे हुआ? यह इस शरीर की मेमोरी से हुआ। इस शरीर को आदत लग चुकी है उठने की, और जैसे ही वह टाइम होता है, अलार्म से या अलार्म से पहले, जैसी नींद खुली, सबसे पहला जो काम होता है वह पैर बिस्तर के बाहर आता है। और इस मेमोरी को बनाया है इस शरीर ने, वह कैसे बनी? आपकी लगातार जो आप आदत अपना रहे हैं उससे। तो दोस्तों, ये 10 बुरी आदतें, अगर इनको आपने बदल लिया तो देखिए आपकी सुबह कितनी और सुहानी होती है, आप कितने और एनर्जेटिक होते हैं। जब आप गलत ढंग से ही सोएंगे तो लाख सुबह कुछ भी कर लीजिए, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी एक्टिविटीज़ कर लीजिए, वह बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर इन 10 आदतों को आपने सुधार लिया, और मुमकिन है धीरे धीरे, अगर हमको एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, आप लाख पैसा कमा लीजिए, लाख सफल हो जाइए, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, वह पैसे किसी काम के नहीं हैं। और कोरोना काल ने हमको यह सिखाया, वह अमीर हो गरीब हो, अमीर का पैसा कोई काम नहीं आया, अमीर का रुतबा, अमीर की पहुँच कोई काम नहीं आई। इस कोरोना ने हमको सिखाया कि हमें जीवन शैली कैसी रखनी है। अगर आप जीवन पर्यंत प्रसन्न, खुश और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन 10 बुरी आदतों को सोने से पहले पूरी तरह हटाइए, और कुछ आदतों को तो जीवन से ही हटा दीजिए, जिसमें अल्कोहल, नशा, किसी प्रकार का नशे का सेवन करना, नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ पर फालतू की चीज़ें देखना, मोबाइल, टेलीविज़न या इस तरह की कंटेंट पर फालतू के कंटेंट देखना, इस तरह की आदतों को जीवन से ही निकाल दीजिए, रात को सोने से ही पहले नहीं। फिर देखिए कितना जादुई परिवर्तन आपके जीवन में आता है। एक सैनिक हमारे देश के लिए सीमा पर तैनात होकर हमारे देश की रक्षा करता है, लेकिन हम जरूर कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हमारे अंदर देशभक्ति का बहुत जज्बा है, लेकिन क्या वह हमारे रवैये में दिखता है? आपको देखकर आपके बच्चे गलत आदतें सीखते हैं। आप रात में जगते हो तो वे भी जगते हैं, आप रात में मोबाइल चलाते हो तो उन्हें भी चाहिए, आप टेलीविज़न रात में देखते हो या टेलीविज़न देखते हो उन्हें भी देखना है,
आप जो चीज़ें करते हो वो उन्हें भी करना है। फिर आप उन्हें लाख सिखाते रहो कि बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना, वे आपको देखकर सीखते हैं। आप उनके लिए हीरो या हीरोइन हैं। फिर अपने भीतर गलत आदतें मत पालिए। अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा मत दीजिए। उन्हें अच्छी ही चीज़ सिखाइए। और वे अच्छी चीज़ कब आप सिखा पाएंगे? जब आप खुद उस राह का अनुकरण कर रहे हो, खुद उस राह पर चल रहे हो। क्या आपके माध्यम से आपके बच्चे या समाज के कुछ लोग प्रभावित होकर इन अच्छी आदतों को अपनाने लगते हैं, अपने भीतर अच्छी चीज़ों को लाने लगते हैं? क्या यह देश के लिए आपका योगदान नहीं होगा? क्या बस मुख से बोलने से देशभक्ति हो जाती है? फिर जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आपके भीतर कोई दोष नहीं रहेगा, तभी तो आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। लेकिन आपके भीतर ही दोष है, आपके भीतर ही कमियां हैं। आप किस तरह अपने बच्चों को या किस तरह से समाज के लोगों को, युवा वर्ग को सही दिशा दे पाएंगे? तो इस देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो अच्छी आदतों का समावेश करिए। इन 10 बुरी आदतों को पूरी तरह छोड़िए। अच्छी नींद लीजिए। जैसी अच्छी नींद लेंगे, सुबह अपने आप आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नींद एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके शरीर को फिर से नया बनाती है। एक तरह की छोटी मृत्यु है। जब यह छोटी मृत्यु आती है तो मृत्यु के बाद जो जीवन होता है वह एक शिशु का होता है। और नींद जो है एक तरह की मौत ही है, ऐसी मौत जो आपको दूसरा दिन एक बच्चा बनाती है, आपको नया जीवन देती है, नव ऊर्जा देती है। लेकिन अगर वह नींद पे ही आप प्रविष्ट गलत ढंग से होंगे, सोते समय गलत काम करेंगे या दिन भर जीवन में गलत काम करेंगे, गलत सोच रखेंगे, गलत चीज़ों पे पड़े रहेंगे, तो किस तरह से वह नींद अच्छी हो सकेगी? और जब नींद अच्छी नहीं होगी तो सब कुछ बर्बाद हो गया। और यह बुरी आदतें अगर आपने अभी ना सुधारी, कुछ लोग प्रेरित होकर कुछ दिन तक तो करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, या कई लोग 6 महीने तक करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देने के कारण वे इस आदत को छोड़ देते हैं। और जैसे ही इस आदत को छोड़ते हैं वे फिर पुराने ढर्रे में आने लगते हैं। सुधार जीवन भर की प्रक्रिया है। आपको जब जीवन मिला है तब से लेकर मृत्यु आने तक आपको अपने आप को सुधारते ही जाना है। और वापस उन राहों पर नहीं जानी है जिसको आपने सुधार कर इतनी मेहनत से आप वापस वहाँ पहुँचे हैं। जैसे ही आप इन गलत चीज़ों को अपनाते हैं, गलत चीज़ें लाइफ में करते हैं, आपको पता नहीं चलता है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर खेल कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन अगर आप अभी समझदार एक व्यक्ति हो जाएंगे, एक सजग व्यक्ति बन जाएंगे, फिर जो आदतें अपनाएंगे वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। और मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको कोशिश करने की देर है, कट्टर बनने की ज़रूरत है। आपको प्रतिबद्धता दिखानी होगी अपने उसूलों पे, अपने सिद्धांतों पे, वरना इस तरह का जब आप रिजोल्यूशन लेंगे कि कल से मैं यह करूँगा, शायद करने भी लगे, शायद 10, 12 दिन 15 दिन कर भी लें, लेकिन आपके आसपास की घटनाएं, लोग, परिस्थिति आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह परीक्षा होगी आपकी। और अधिकांश लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और उस ढर्रे के अनुसार चलने लगते हैं, और अपना जो उन्होंने सिद्धांत बनाया है उसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह के लोगों का फिर भगवान ही मालिक है, वे भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे। आपको भी इसी भाग्य भरोसे बैठना है, फिर बैठे रहिए। आपकी मर्जी, आपका जीवन है, आपको जैसे जीना है। आपको वेब सीरीज देखनी है, आपको नशा करना है, आपको रात में जगना है, रात में जग के कंप्यूटर में काम करना है या अन्य काम करने हैं, आपको मोबाइल चलानी है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत ज़रूरी है, करते रहिए। लेकिन वे भाई बहन, वे युवा वर्ग, आजकल की युवा पीढ़ी जो अपने आप को बदलना चाहती है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद ठान लेते हैं कि मेरा जीवन अब केवल अच्छे कार्य के लिए, प्रेरित कर्म के लिए और सच्ची चीज़ के लिए ही जाएगा, आज से ही जो भी ठानता है उसका तुरंत जीवन परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, कायाकल्प होना चालू हो जाएगा। और करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं।